दोस्तों, ऊपर वाले ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी इस धरती पर भेजा है क्योंकि धरती के संतुलन के लिए यह जरूरी था। हम हमेशा देखते रहते हैं कि हमारे आसपास और हमारी गलियों में आवारा कुत्ते और पशु घूमते रहते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि वो इंसानों के पास ही क्यों होते हैं? क्या आपने सुनसान जगह पर देखा है कि पशु और कुत्ता घूम रहा हो? ये वहीं देखेंगे जहां पर इंसान होंगे, क्योंकि उनके अंदर एक धैर्य और एक आस होती है, आज नहीं तो कल कोई ना कोई अच्छा आदमी हमें कुछ खिलाएगा या फिर कुछ पिलाएगा, क्योंकि वो इतने तो समझदार हैं ही, उन्हें पता है कि हम खुद खाना बनाकर नहीं खा सकते। इसलिए ऊपर वाले ने इंसान को बुद्धि दी है और इंसान को यह समझ होनी चाहिए कि वो जंगली जानवर नहीं है। जंगली जानवर प्रकृति पर निर्भर होते हैं और ये जो हमारे आसपास घूमते हैं वो हम पर निर्भर होते हैं। और आज मैं एक ऐसे इंसान की बात करने जा रहा हूं जिसने अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल किया, जिसका नाम है पैट्रिक, जो केनिया में रहता है। पैट्रिक की एक किडनी फेल है, उसके पास इतना पैसा नहीं था जिससे वो अपनी किडनी का इलाज करवा सके। एक दिन जून के महीने पैट्रिक नेशनल पार्क से होकर गुजरता है और वो क्या देखता है, एक हट्टा कट्टा हाथी मरा पड़ा है। और उस मरे हुए हाथी को देखकर पैट्रिक की आंखों से आंसू आने लगते हैं। पैट्रिक ने यह सोचा कि मैं तो किसी न किसी दिन अपनी बीमारियों के चलते मर जाऊंगा, पर ये एक हट्टा कट्टा हाथी सिर्फ अपनी प्यास ना बुझाने के कारण मरा गया। मैं आपको बता दूं कि केनिया के नेशनल पार्क में जून से लेकर दिसंबर तक सूखा चलता है, सूखा ही रहता है, वहां पर बरसात की एक बूंद भी नहीं गिरती और ऊपर वाला भी उन जानवरों पर तरस नहीं करता। और पैट्रिक ये अच्छी तरह से जानते थे, इन 7 महीनों के अंदर ये ऊपर वाले पर नहीं, ना ही प्रकृति पर, ये इंसानों पर निर्भर है। तो पैट्रिक ने सोचा अगर ऊपर वाला नहीं तो ऊपर वाले ने मुझे भेजा होगा इनकी जान बचाने के लिए। तो उन्होंने उसी वक्त सोच लिया कि आज के बाद यहाँ कोई भी जानवर प्यासा नहीं मरेगा। पैट्रिक अपने आंसुओं को इकट्ठा करके घर पे गए और शहर में जाकर चंदा इकट्ठा करने लगे। और पैट्रिक ने इकट्ठे किए गए चंदे से एक ट्रक किराए पर लिया और उसमें पानी डाला और उस पानी को लेकर जानवरों के बीच पहुंच गए सुनसान इलाके पर पूरे 3.5 घंटे के बाद। और उन्होंने ट्रक में जितना भी पानी था वो सारा एक तालाब खोदा और उसके अंदर डाल दिया। पूरे 300 गैलन पानी उन्होंने उस तालाब के अंदर डाल दिया। जब जंगली जानवरों ने इसको देखा तो वो भागे भागे आए और टूट पड़े पानी पीने के लिए। और उसी में से एक बड़ा भैंसा पैट्रिक की ओर बढ़ने लगा। पैट्रिक डर गया कि कहीं मुझे ये भैंसा मार ना दे, पर वहीं उसका उल्टा हुआ, वो पैट्रिक को चाटने लगा। वो शुक्रिया कर रहा था अपनी भाषा में। जानवरों का पैट्रिक के प्रति प्रेम को देखकर पैट्रिक बहुत खुश हुए और उसके बाद वो रोजाना चंदा इकट्ठा करने लगे और किराए पर ट्रक लेकर पानी सप्लाई करने लगे। और मैं आपको ये बता दूं कि आज पैट्रिक के खुद के पास 3 ट्रक हैं और उनकी खुद की टीम है जो वहां पर पानी सप्लाई करती है। इसे कहते हैं ऊपर वाले का आशीर्वाद। जो भगवान ने हमें बुद्धि दी है उसका सही इस्तेमाल किया पैट्रिक ने। और हैरानगी की बात तो ये है कि शेर और बड़े बड़े हाथी जब पैट्रिक के ट्रक की आवाज सुनते हैं तो वो खुश होकर दौड़ने लग जाते हैं ट्रक की ओर, और वो रोजाना सुबह इंतजार करते हैं पैट्रिक के ट्रक का। और मैं ये आपको बता दूं, शेरों जैसे खूनखार जानवर भी पैट्रिक और उसकी टीम को कुछ नहीं कहते हैं। वो कुछ ही फिट्स की दूरी पर पानी पीते हैं, उसके बाद वो पीछे हट जाते हैं ताकि दूसरे जानवर को भी मौका मिले पानी पीने का। मिल बांटकर सारे पानी पीते हैं। और यार, पैट्रिक के लिए दिल से रिस्पेक्ट निकल रही है और सल्यूट करता हूँ ऐसे बंदे को, क्योंकि हमारे तो आसपास कितने ही जानवर हैं, हम उनकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। और पैट्रिक 3.5 घंटे बर्बाद करके अपने वहां जाते हैं। मैं उसे बर्बादी नहीं समझूंगा, मैं उसे एक उनका रूटीन मानूंगा आज के टाइम में। और उनकी इसी आदत से हजारों जानवर प्यासे नहीं मरते। और हाँ, लास्ट बात सुनो, मैं बात करना चाहता हूँ अमीर लोगों से, थोड़ी सी अमीर लोग ध्यान से सुनना इस बात को, जिनके पास पैसे की जरा सी भी कमी नहीं है, उन्हें धार्मिक स्थलों पर चढ़ावा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर चढ़ावा करना ही है तो एक लिमिट में कीजिए। आप लोग तो भगवान के सामने भी दिखावा करते हो। 2-2, 3-3 करोड़ चढ़ावा हो रहा है, शाबाश। आपको क्या लगता है ऊपर वाला इन 2 कौड़ी के नोटों का भूखा है क्या? या फिर ऊपर वाले ने अपने मुंह से कहा है कि तुम मुझे 1 करोड़ ला के दो, मैं तुम्हें 2 करोड़ करके देता हूँ? ये सब फालतू की बातें हैं। अगर चढ़ावा करना ही है तो एक लिमिट में कीजिए। अगर फिर भी आपके खुजली हो रही है कि भी देना ही देना है, तो पैट्रिक जैसे हजारों बंदे हैं जिनको आप चढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ऊपर वाले का ही रूप होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने अमीर रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर कर देना। और आज का